दोस्तों ईद पे रिलीज हो रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। क्या बताऊँ इस फिल्म के बारे में आपको। इतना मतलब मेकर्स डर चुके थे, जब एडवांस बुकिंग ओपन हुई तो डर के मारे इन्होंने एक दिन आगे कर दिया। पहले इन्होंने पीपी किया कि चलो पेड प्रीव्यू कराएंगे, वहाँ भी जब टिकट सेल नहीं हुए तो चलो डायरेक्ट ईद पे ही आएंगे, क्योंकि अगर ये फिल्म ईद से एक दिन पहले आती तो हो सकता है कि सिंगल डिजिट में इसका बॉक्स ऑफिस नंबर आता। इसीलिए ये आगे चले गए हैं, यानी टिकट सेल नहीं हो रहे हैं और ईद के दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही, यानी पूरा नेशनल हॉलीडे छुट्टी का दिन। और उस दिन भी दोस्तों बहुत शॉकिंग नंबर आने वाला है, इंडस्ट्री हिल जाएगा। आपको याद होगा मैंने कहा था ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ था तो कि जो भी लोग ट्रेलर के बारे में बोल रहे हैं एक्शन देखकर, उन्हें अक्षय कुमार की पोटेंशियल नहीं पता है। मुझे पता है कि भाई अक्षय कुमार ऐसे एक्टर हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को डुबा दिए। एक वक्त पे ब्लू जैसी इनकी इवेंट फिल्म आई थी जो डिजास्टर रही, सम्राट पृथ्वीराज वायरिफ की फिल्म डिजास्टर, धर्मा की फिल्म सेल्फी डिजास्टर, और यहाँ टैंक के लिए यानी कि जो अलिया अब्बास जफर हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को कोस रहे हैं कि काश इस फिल्म में शाहरुख खान को ले लेते हैं, सलमान खान को ले लेते हैं। गलती कर दी बहुत बड़ा, क्योंकि इस फिल्म का सिर्फ COP 200 करोड़ है अभी फीस वगैरह हटा उठा के, तो सोचिए इस फिल्म का बजट क्या होगा। बात करेंगे टिकट सेल कितने हुए हैं, तो बिल्कुल औकात अनुसार इस फिल्म के टिकट बिके हैं। PIC में, PVR और INOX में 5300 टिकट बिके हैं, सिनेपोलिस में 1950 यानी 7250 टिकट बिके हैं, और ये 4:30 बजे तक का अपडेट है। 7250 टिकट दोस्तों, इससे ज़्यादा तो रेलवे के टिकट बिकते हैं मेरे भाई, तत्काल वाले। क्या हाल हो गया है, क्या चिंदीपना हो गया है, चिल्लर एडवांस कहते हैं ना वो हो रहा है। अब तो आप बहाना भी नहीं बना सकते हैं कि ईद के दिन नहीं आई, प्री ईद थी, इसका भी बहाना आप नहीं बना सकते क्योंकि फिल्म ईद के दिन डायरेक्ट रिलीज़ हो रही है। और भाई ये 100 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि रिलीज़ से 2-3 दिन पहले रिलीज़ डेट बदला जाए। पहले इन्होंने किया कि 11 तारीख को हम आएंगे, 10 तारीख को आएंगे, फिर देखा कि भाई 10 तारीख को एडवांस बुकिंग हुआ ही नहीं, टिकट बिके ही नहीं, ये डर गए कि भाई सिंगल डिजिट में आएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म इवेंट फिल्म और सिंगल डिजिट में नंबर आएगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो PP कर लेते हैं, पेड प्रीव्यू कर लेते हैं, 6:00 बजे से रिलीज़ कर देते हैं। फिर वहाँ भी टिकट नहीं बिके, फिर ये डर गए कि भाई अब क्या करें। तो इन्होंने सीधा कहा भाई अब ईद पे ही आते हैं, और अभी भी डर लग रहा है तो भाई इस फिल्म को OTT पर रिलीज़ कर दो। मेरी मानो तो इस फिल्म को OTT पर रिलीज़ कर दो, क्योंकि इस फिल्म को डिज़ास्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसके म्यूज़िक पूरी तरीके से मर चुके हैं, डेड है दोस्तों। ट्रेलर उतना इम्पैक्ट दिया नहीं, अक्षय कुमार की फ़ैन फॉलोइंग दोस्तों 0 है, टाइगर श्रॉफ लगातार बैक टू बैक फ्लॉप देके आ रहे हैं, तो भाई होना ही था ना, ये होना ही था, मैंने कहा था। लेकिन भाई अब क्या करें, लोग आके कहते हैं 300 करोड़ होगी, 400 करोड़ होगी, भाई 150 करोड़ कर लेना तो मिठाई बांट देना, 150 करोड़ अगर ये फिल्म कर ले, और कितनी भारी बेइज्जती होगी ईद पे आके इतनी बड़ी एक्शन फिल्म लेके। ये हाल है दोस्तों, ये हाल है, यानी अक्षय ने ये भी करके देख लिया, उनके फैंस प्रोडक्शन हाउस को गाली दे रहे हैं। भाई प्रोडक्शन हाउस की क्या गलती है, वायर के साथ पृथ्वीराज डिजास्टर हुआ, धर्मा के साथ सेल्फी डिजास्टर हुआ, टसन एक वक्त पे आई थी वायर की फिल्म, बहुत बड़े बड़े स्केल की फिल्म थी, वो भी डिजास्टर थी, चांदनी चौक टू चाइना बहुत बड़े स्केल की फिल्म थी, डिजास्टर थी। यानी बड़े स्केल की डिजास्टर अगर देना है ना तो आपको चिंदी कुमार से सीखना होगा, अक्षय कुमार ही सिखा सकते हैं और वही दिला सकते हैं भाई, उनके अंदर ये पोटेंशियल है, बाकी किसी एक्टर में नहीं है भाई। माफ़ करो भाई अक्षय पाजी, माफ़ करो, फिल्में बनाना बंद करो, आपको ऑडियंस अब देखना नहीं चाहती है। आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट करके, और देखते रहें FF News। Take care.